और ये हम लोग फाइनली बीच पे आ गए हैं मजे करने के लिए। यस दीदी, वाओ यार, हॉलीडे टाइम, मजा आएंगे यार, मजा आ गया यार। चलो बीच पे चलते हैं। शिट, ये क्या है? अरे बाप, आयुष ये क्या रे भाई, ये सुनामी लग रहा है मेरे को। अब बीच पर अब भी तुम्हारे तो सुनामी आने लग गया है। अरे बाप रे बाप आयुष, अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा। यार इतने मेहनत से यहाँ पर आए हम लोग, ऐसे नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं ना, हम लोग बहुत टाइम से बेल्ट बैटल नहीं किए हैं, तो आज हम लोग सुनामी प्रूफ हाउस का बेल्ट बैटल भी कर लेते हैं, क्या बोलती है दी? ओह वाओ, ओके चलो ठीक है। तो देखते हैं सुनामी से बचने के लिए सबसे अच्छा घर किसका होगा, और एक सेफ हाउस भी बनाना। भाई सुनामी घर को तबाह भी कर सकता है, हालांकि मेरा घर तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन चलो बनाते हैं। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और दीदी तेरे लिए वहाँ पे जगह है, वहाँ बना। भाई सुनामी बहुत तेजी से आगे आ रहा है यार, जल्दी कर, जा जा जा। हाँ, ठीक है, ओके। तो भाई मोर गैंग, हमें सुनामी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक यहाँ पे हाउस बनाना है, सिक्योर हाउस। तो सबसे पहले हम एक अपना हाउस बनाते हैं, और उसको हमें सुनामी प्रूफ बनाना है। तो सुनामी आ रहा है पानी का, तो भाई हम लोग यूज करेंगे, यस गाइस, स्पंज। तुम लोग को पता ही है स्पंज पानी को रोकता है, तो यस हम लोग स्पंज का घर बनाएंगे। कैसा आइडिया है यार, ओ मेरे को तो काफी सही लग रहा है। आज तक हम लोगों ने कभी स्पंज का घर नहीं बनाया है। देखो अगर सुनामी आएगा तो ये देखो ऐसा सूख लेगा। भाई ये बहुत ही सही लग रहा है मेरे को। भाई तुम लोग इस चीज को रेट करो 10 में से कि स्पंज का घर का आइडिया कैसा है। अभी मैं एक घर के शेप देता हूँ यहाँ पे फटाफट। मेरे को थोड़ा अच्छा लुक देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो घर सेफ होना चाहिए सुनामी से भी। तो भाई चल जल्दी अभी काम करते हैं, पंचायती हो गई है काफी। ये देखो गाइस, मैं कुछ इस तरीके से अपने घर का डिजाइन दे रहा हूँ, और थोड़ा सा पीछे खींचेंगे। लेकिन हम लोग का भाई मेन तो है कंसर्न कि ये पानी को सोख ले, इसलिए मैं हर जगह स्पंज लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे खिड़कियां भी लगा रहा हूँ ताकि मैं बाहर का मौसम भी देख पाऊँ अंदर से, क्योंकि भाई पानी तो वहीं से ही आएगा ना। यस, ऐसे करके हम लोग नजर रख सकते हो। माय गॉड, माय गॉड। नहीं तो एक चीज और कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास भी लगा देते हैं, एक तो यहाँ यहाँ, तो इसको ले लो और फिर इसको ले लो, और भाई पानी उधर से आएगा तो नजर रखने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। नीचे की तरफ रहेगा काफी, लेकिन ठीक है काम करेगा, और यही कैमरा सबसे पहले खराब होगा भाई। ठीक है देखेंगे, चलो अभी घर कंप्लीट करना है। नीचे भी मेरे को पूरा स्पंज भरना है ताकि नीचे भी आए तो पानी पूरा सूख जाए। और ये अपना घर ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैंने इसको पूरा ए शेप में बिल्ड किया है गाइस। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पंज लगा देते हैं, ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया है। तुम लोग ही बताओ अभी 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 हम लोग क्या करेंगे। घर तो हो गया है, अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, और मेन चीज तो भाई हम लोग सीक्रेटली यहाँ से अपना बंकर बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सुनामी बहुत ज्यादा आ गई ना बाहर तब एस्केप करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। मे बी इसीलिए हम लोग सिक्योरिटी बंकर भी बनाएंगे, जो तुम लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद है और बहुत मजा होगा वो। तो उसको यहाँ पे बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोफा लगा देते हैं, बहुत बड़ा घर है यार, डेकोरेट करने में भी दिक्कत ही है। यहाँ पे लगा देते हैं टेबल, वहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी लगा दी है, और क्या लगाऊं, फ्लावर लगाना है, तो यहाँ दोनों तरफ हम रख देते हैं पॉट, और इसमें ये रेड फ्लावर, ब्लू के साथ रेड कलर अच्छा लगता है। यस, पेंटिंग भी लगा देते हैं, लेट्स गो, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे मेरे और दीदी के लिए बेड भी हो गया है, बेड के ऊपर में मैंने यहाँ पे डिजाइन भी बना दिया है, काफी ठीक है। अभी ऊपर वाला काम तो मेनली हो गया है, बस नीचे में थोड़ा ब्लू एंड व्हाइट कार्पेट भी बिछा देते हैं फटाफट से, तो ये भी हो गया है, लेट्स गो। अभी हमारा नीचे का काम करना है हमें। अभी नीचे में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक बड़ा सा होल करता हूँ। यस, तो यहाँ पे मैंने ऐसा खड्डा कर दिया है, अभी हम लोग इसको पूरा नीचे तक क्वार्ट्ज ब्लॉक का बनाते हैं, तब भी थोड़ा सा मस्त लगेगा। ऐसा करके जल्दी जल्दी करते हैं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मेरा प्लान क्या होगा यहाँ पे करने का? कोई आइडिया लगा सकता है कि क्या ट्रैप बन सकता है यहाँ पे नीचे जाने के लिए? देखो क्योंकि मैंने तो पूरा ही यहाँ पे ऐसे बड़ा सा खड्डा कर दिया ना, भाई दिमाग लगाओ, कमेंट में बताओ, तब तक मैं इसको लगा रहा हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट,
लगता है कमेंट कर रहे हो तुम लोग। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब जिस लोगों ने ये चीज लिखा होगा कि मैं दीदी को और मेरे को भी नीचे भेजूंगा यस प्लेटफॉर्म के जरिए। यस पहला प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पर इजी देंगे इस तरीके से। अभी दूसरा प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ दे तो यहाँ से वहां जंप लगाया जा सकता है यस ऐसे करके। अभी यहाँ से नीचे जाना है मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं ना, थोड़ा टफ करते हैं, तो ले लेते हैं लीडर और इसको यहाँ पे लेने के बाद यहाँ करके। ओह माय गॉड यस यस। अभी यहाँ पे ठीक रहेगा क्या? यहाँ से यहाँ। ओह माय गॉड लेट्स गो। ये अच्छा चीज चालू हो गया है। और यहाँ पर मैंने उसका लगाया बीच में, तो यहाँ से नीचे कूदा जा सकता है कि नहीं? ये ऐसे करके फिर यहाँ से यहाँ कूदो, यहाँ से यहाँ, फिर एक बार और यहाँ से लैडर पे जंप लगा देने का ऐसे करके, फिर लैडर से लैडर, लैडर से लैडर एंड ये करके आ जाओ। यस ये तो शायद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। लेट्स गो। ओके नीचे आने के बाद अभी और सिक्योरिटी होगी भाई। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी दीदी को उस तरफ का लैंड दिया ना तो सही रहेगा, क्या पता हम लोग दोनों वहाँ पे अपना बेसिस मिला दे। तो यहाँ पर हम लोग एक घंटा करते हैं अभी बड़ा सा ऐसे करके। ये अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है, और बड़ा करना है मुझे। अभी यहाँ पे मैंने खड्डा किया है लेकिन दीदी यहाँ तक भाई आ गई है, तो उसे हम लोग यहाँ चेस्ट में एक की देंगे। यस गाइस अब ये चाबी क्यों देंगे ये तुम लोगों को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे जाने का रास्ता कर देंगे बस। यस यहाँ से नहीं जाया जा सकता, इसको जाने के लिए यहाँ पर, वैसे तो आगे जाएगी भी कहाँ है, यहाँ पर होगा आगे जाने का दरवाजा, लेकिन जाएगा कैसे, इसे कैसे हटाएंगे? इसे हटाने के लिए किसी को भी इस बो एंड एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कैसे? देखो यहाँ पर ना कमांड ब्लॉक्स पे दो बटन लगाए हुए होंगे, इनमें से कोई एक बटन पे हमें क्लिक करना है यही सही, और जिस पे सही क्लिक हो गया तब ये फेंस हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो बो रख देते हैं, एरो रख देते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज कर देते हैं, और अब यस गाइस मैंने इसमें कमांड डाल दिया है। अभी बता सकते हो कौन सा वाला सही है? अगर दीदी ने इस पे दबाया फेंस चेंज हो गया, और अगर उस पे दबाया तो भाई गायब हो गया। लेट्स गो। तो भाई फेंस वापस लगा देते हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मजा है ना ये वाला? ये मेरे को बहुत कूल लगता है कि हम लोग एरो से बटन दबा सकते हैं भाई। अब यहाँ पे आगे जाके मैंने फिर से यहाँ खड्डा कर दिया है भाई, मुझे नीचे भेजना, क्योंकि भाई नीचे ही सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए सुनामी में। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि नीचे कैसे जाएंगे, तो भाई इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डिस्पेंसर, यहाँ लगाते हैं, हाँ सही रहेगा। और इसके ऊपर में हम लोग लगा देंगे प्रेशर प्लेट। भाई अब क्या होगा, प्रेशर प्लेट से क्या होता है भाई? जो ट्रिक पीछे यूज हुआ था वही ट्रिक यहाँ भी यूज होगा। अगर हम लोग तीर मारेंगे इस प्रेशर प्लेट पे तो ये दब जाता है। यस गाइस अभी जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी मैं इसके अंदर एक्चुअली मैं डालूंगा वाटर बकेट, तो क्या होगा, पानी नीचे जाएगा। चलो मैं वाटर बकेट डाल के दिखा देता हूँ, तो कैसे पार करना है, क्या दीदी ये खोपड़ी लगा पाएगी? यस ये देखो, और फिर जैसे ये पानी नीचे जा रहा है उसके साथ में हमें कूद जाना है सेफली। यस तो ये मैंने हटा दिया है। नीचे जाने के बाद ये भाई हो गया है एकदम सिक्योर। तो अब यहाँ पे फाइनल हम एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बंकर बना देते हैं जहाँ पे हम लोग आराम से रह पाए। यहाँ पे होगा सिक्योर बंकर, लेकिन उस बंकर में जाने के लिए लगा होगा ताला, और ताले की चाबी कहाँ थी याद है ना, जहाँ पे हम लोगों ने की रखा था। यस गाइस ताले की चाबी भाई है, अभी तो ये बंद हो गया है और मैं अंदर में बंकर बना लेता हूँ फटाफट। तो हमारा सिक्योर बंकर पूरा आयरन का होगा क्योंकि आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर मैंने लगा दिया है टीवी, यहाँ पर मैं और दीदी बैठ के आराम से टीवी देख सकते हैं। और भाई मुझे डायमंड्स बहुत पसंद है ब्लू कलर के, तो यहाँ पर भाई हमारा डायमंड का ट्रेजर भी होगा। हमारा सीक्रेट बंकर है भाई, पैसे वैसे होने चाहिए, दीदी को भी रेड स्टोन काफी पसंद है रेड कलर के, यहाँ पर मैं वो सब भी रख देता हूँ। लेट्स गो।
और अभी भाई अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और हमें निकलना पड़ा भाई, समझ लो पूरा मोर टाउन ही छोड़ के भागना पड़ा, तो उसका भी मैं एक इंतजाम कर देता हूँ। तो यहाँ बंकर के ऊपर में मैंने बना दिया है एग्जिट। यस, यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे? फिर से एक यूनिक तरीका सोचा तुम्हारे भाई ने। यहाँ पर हम लोग गिरा देंगे पाने। Yes guys, ये पानी ओवरफ्लो हो गया है जिसको हम लोग हटा देंगे। अब ये जो पानी है यहाँ पर चढ़कर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना होगा? यस यस यस, ट्राइडेंट का इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं होगा ना, हमें इसको पहले एंचेंट करना होगा रेप्टाइड से। यस गाइस, अब हो सकता है ये काम। एंड लेट्स गो। लेकिन इतना ऊपर तक तो हम लोग एक बार में नहीं जा पाएंगे, तो हमें बीच में थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो वहां से एक प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे बनाते इस तरीके से, और इसके अंदर में पानी भर दो। तो यहाँ से ऐसे जाके हमें, ओह माय गॉड, इतना टॉप तो पड़ेगा भाई, कुछ भी बोलो। यार लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यस, यहाँ से यहाँ, फिर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो यस गाइस, ये भी रेडी है और यहाँ से एग्जिट मारा जा सकता है। तो भाई अभी बहुत टाइम हो गया, मेरे को लगता है सुनामी पास में आ गया होगा। और दीदी का भी क्या हाउस रेडी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि दीदी से कैसे क्रॉस करेंगे। चलो फिर एक बार दीदी से मिलते हैं। मेरा तो घर रेडी। दीदी ओ तो आ गई, तेरा रेडी है? हाँ मेरा एकदम रेडी है। दिख रहा है मेरे को, ओह माय गॉड, सुनामी पास होता जा रहा है, वो देख। पूरे पाव पूरे बाप चलते कर आयुष। दीदी चल चल, तेरे वाले में चलते हैं पहले, सुनामी बहुत तेजी से आ रहा है। लेट्स गो, चल चल भाग भाग भाग, चल देखते हैं तेरा वाला सुनामी हाउ स्ट्रांग है क्या। लेट्स गो, ओके चलो भाग भाग भाग। ये क्या बनाया है यार दीदी? तेरे को पता है ना, वाटर का ऑपोजिट होता है लावा, और ये है नेदरराइट ब्लॉक्स। माय गॉड भाई, बहुत सही बनाया। अरे सुनामी बहुत तेजी से आ रहा है, ये घर टिकेगा भी क्या तेरा? ओह अरे टिकना तो चाहिए यार मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे तूने बीकन भी लगाया है, बहुत ही बढ़िया यार। अरे वही तो ना, अगर सबको मतलब बताने के लिए कि भाई प्रॉब्लम आ गई है। रेड बीम, यस यस बिल्कुल सही भाई, रेड कलर खतरे के घंटे है। अभी करे क्या दीदी सुनामी? ये घर तो भाई पूरा खाली है, ऊपर से पानी आएगा। हाँ हाँ, तो चलो भाई बंकर में चलो, फटाफट से दूसरे साइड से निकलेंगे। ओहो हो, तूने भी सिक्योर बेस बनाया है। ओ ओ ओ अच्छा, ओ भाई मैंने यार देखा। मैंने ही बता दिया। मैंने देखा। हाँ तो ठीक है, जो देखा है आगे तो जाना ही है। ओ, चलो फिर। ओहो ओ भाई साहब, भाई सिक्योर बंकर बनाया तूने भी, को पार करना है। तो नेक्स्ट में ये क्या है भाई? देख लो, आगे जाना है उस साइड में। आगे तो जाऊं, लेकिन ये मेरे को लगभग 5 ब्लॉक्स लग रहा है, इतना बड़ा जंप मैं नहीं मार पाएगा। मुश्किल है भाई इतना बड़ा जंप। ओए यही तो बात है, देखो लावा में जलते हुए तो देखना था। ओह माय गॉड, लेकिन इसको पार कैसे करेंगे भाई? वहाँ का तो मेरे को दिख रहा है वो लीवर है, उसको दबाने से ये आगे आएगा, तो हम लोग पार कर सकते हैं, लेकिन पहले वहाँ तक जाना तो पड़ेगा। हाँ तो कैसे जाएगा बताओ तो सही, मेरा तो आइडिया है। रुको मैं भाग के देखता हूँ, यहाँ पे तूने रन अप का दिया है मेरे को। ओके भाई, तूने मारा मेरे को हवा में यार। हाँ वो ऐसे ही मार दिया जैसे तू लावा में गिर जाए। एक मिनट, इससे लेकिन अच्छा आइडिया है मेरे को, तूने हिंट दिया ना। हाँ मैं समझ गया। हाँ एकदम सही है। यस गाइस, पता है क्या, अगर हम लोग भागते हैं ना और पीछे से कोई मारता है तो हमें थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, तो हम लोग इसको पार कर सकते हैं। ठीक है, मैं दीदी दोबारा भागता हूँ, तू मेरे को बूस्ट देना। मैं भाग रहा हूँ, बूस्ट दे। अबे पहले ही दे दी बे, मर गया मैं। कुछ नहीं, अभी सही टाइम पे देंगे। एक काम कर, तू भाग, मैं खड़ा हूँ, मैं तेरे को बूस्ट देगा। जा जा जा, हो गए, चलो 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 फिर दीदी भाग। 1 2 3 गो। देखा गाइस, मैंने पहुंचा है।
टाइम कॉल द टाइमिंग और ये आगे कर दिया और ये तो मैं ऐसे ही कर लेगा। लेट्स गो, यहाँ पे देख सिस्टम बनाया है, बढ़िया। आगे चलो चलो चलो। ओह अच्छा, वन ब्लॉक। ओके ओके, क्या करना है अभी बता बता। ये तो भाई मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है यहाँ के। ऐसे तो ये गाइस हम लोग हो जाएंगे वन ब्लॉक में घुसते के लायक। ये देखो, ये आगे चलो चलो चलो। और यहाँ पे एक मेज है, अभी तुम्हें ये मेज को क्लियर करना है। यहाँ से रास्ता नहीं है, रुक जा, तू मेरे पीछे आ रही है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे मत दे, वहाँ देना था वो तो दे नहीं पा रही थी, मेरे को देना पड़ा। आइए यहाँ पे रास्ता नहीं है, यहाँ पे रास्ता नहीं है। अबे वे हाँ, निकलना तो मेरे को कहाँ से है रास्ता, ये तो सोच ले। यहाँ पे देखो ये सब चेंज हो गया, इसका मतलब यही से रास्ता। अभी लेफ्ट या राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, और अबे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब सीधा है रास्ता। लेट्स गो गाइस, मिला गया। मिल गया। मैं खड़ा हो गया देखो। और यहाँ से क्लियर, लेट्स गो भाई। ओ घर से हम लोग काफी दूर आ गए, हम लोग सुनामी ऐसे एस्केप कर सकते थे, अच्छा था तेरा। लेकिन अभी मेरा वाला देखना, उससे भी बढ़िया निकलेगा। चल चलो देखेंगे तेरा कैसा बना है, मेरे को पता है तुम घटिया होगा। और ये आ चुके हम लोग अपने घर में। दीदी इसको मैं कैसे लेके आऊं गाइस, सुनामी पूरी आ चुकी है, मैं एक बार गेट लगा दिया था, ये देखो। और अंदर से मेरा घर देखो भाई, पूरा स्पंज वेट स्पंज में कन्वर्ट हो चुका है दी। अरे बाप रे बाप, बहुत सही बनाया तूने। भाई देखो पानी की एक बूंद भी नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है गाइस, वो तो होगा ही थोड़ा तो। भाई इसको एकदम गंदा सा घर बनाया जिसके अंदर से पानी टपक रही है, टक 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 बेटा जिन्हें सोक लिया है, समझाना। सोका नहीं है वो, बहुत ज्यादा गिल्ले हो गए हैं, उसके अंदर से पानी निकल रहा है। सुनामी की हालत देख तू, पूरा घर डूब चुका। तेरा घर तो बर्बाद हो गया है शायद, कोई बर्बाद नहीं होगा, नेदरराइट ब्लॉक का है वो। ओहो देखेंगे भाई। चलो अभी मेरे हम लोग को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। चलो लेट्स गो दीदी, आ जाओ मेरे बंकर में। चलो दे ये देख, पहले हम लोग को नीचे जाना है पूरा। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे पार्कोर दिया तूने। पार्कोर क्या है ये, बस आराम से हमें ऐसे करके नीचे पहुँचना है। अच्छा चलो भाई, चलो चलो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे। जल्दी जल्दी आ जा दे। आया तो चलो भाई, चलो ऐसे करके नीचे आ गए, आ जा दे। यस यस, यू कैन डू इट, यो बहुत बढ़िया। अच्छा आ गए हो, अभी तेरे आने की खुशी में देख मैंने भी गेट बंद कर दिया तेरी तरह। क्या है इसके अंदर में, ओहो की चाबी है, चाबी। यस यस, ये चाबी तेरे को वो बाद में यूज करना है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा अभी यहाँ पर तेरे को ये पार करना है, कर जल्दी चल आगे बढ़, जल्दी चल दीदी। अरे यहाँ तो फैंस लगा हुआ, कैसे पार करूंगी, आयु फैंस से मैं। यस यस, तो फिर देखो फैंस को हटाना है उन दो कमांड ब्लॉक में से। तुम्हें पहले यहाँ से देखो, तुम्हारे लिए सामान है मैंने रखा है, निकाल लो, निकाल लो बेटा, निकाल लो। एरो है और यहाँ पे वो है। यस, तो फिर अभी देखो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करो, और क्या करना है तुम्हें वो तुम खुद डिसाइड करो। ओ तूने मुझे वो दिया है, इसका मतलब, ओ सामने एक बटन भी है आयुष, इसका मतलब वो बटन अगर प्रेस करूंगी तो ये फैंस गायब हो जाएगा, क्या बोलता है। हाँ तो प्रेस किसी करेगी भाई, कानून के हाथ है क्या तेरे पास। ओहो ओहो, अरे अरे अरे, दिमाग लगा लिया। यस, बटन दब जाता है एरो से, बहुत सही। बेटा शायद तूने दबा दिया है, लेकिन ये तू दूसरा बटन क्यों नहीं ट्राई कर रही, एक ही पे मारे जा रही है। ओ यार मेरा गलती है, तुम्हारे भी तो देखा हेल्प किया था ना। निशाना देख, अगर तू इस वाले पे मारती ना तो देख मैं दिखाता हूँ क्या होता है ऐसे करने से। अच्छा पहले तो ये तीर हटाने पड़ेंगे क्योंकि वो दब रखा है, और दबाने से वो देख पीछे एक जादू हो गया है। सही है। वैसे इस की का क्या काम है ये तो बताओ, तेरा भेजा में कचरा भर गया, उसको खोलना है क्या, निकालना है क्या।
से अभी पता चल जाएगा। देख अभी नीचे जाना है तेरे को। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा खड्डा कैसे जाऊंगी मैं? बेटा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अरे ये तो मेरे को वापस से लग रहा है बोर एरो का काम है। ओहो वाई 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 वाई, देख रहा है ये कितनी इंटेलिजेंट हो गई हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट दरवाजा है, आओ चल दीदी तू मेरे आ गई है सीक्रेट बंकर में। ये देख मैंने यहाँ पे अपने लिए शयन कक्ष, बोलते हैं ना शयन कक्ष, बनाया है। मेरा फेवरेट डायमंड पड़ा है, तेरा फेवरेट रेड स्टोन पड़े हैं। अरे भाई मैं सबको लेके जाना चाहती हूँ भाई। अरे यार क्या बेटा आराम करना है तो मैं अपने ब्लू चेयर पे बैठ के टीवी भी देख सकता हूँ बेटा। क्या बढ़िया बनाया यार, तुझे मेरे को रेस्ट करने का टाइम दे रहे। लेकिन भाई सुनामी बहुत तगड़ा आ गया है दीदी, हम लोग को एस्केप करना है तो हम लोग यहाँ से एस्केप भी कर सकते हैं। चलो करते हैं, बाहर निकलो यार आयुष, जल्दी करो। कैसे निकलेगी बाहर? अरे यार इतना ऊपर कैसे जाऊंगी, मेरे पास कोई स्प्रिंग लगे है क्या जो मैं कूद कूद के ऊपर चले जाऊंगी? आयुष बेटा 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 चेस्ट में देखो, तुम्हारे लिए गिफ्ट हैम्पर है। वाओ कितना अच्छा गिफ्ट दिया ट्राइडेंट। यस तो चलो तुम्हें ट्राइडेंट का यूज करना है, कैसे करना है पता है ना? आजा पानी में। मेरे को तुम पे यूज करना अच्छे से आता है बेटा। मेरे पे नहीं करना है, तुम्हें समझा ना, मैं भी कर सकता हूँ। ओ भाई चलो हम लोग रेप्टाइट का इस्तेमाल करके जाएंगे। ये दीदी आजा। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, लेट्स गो भाई। टू इज स्कूल है ना, और यहाँ से हम लोग सीधा निकल जाएंगे। ओए ओ माय गॉड, ओ माय, ओ भाई साहब मैं फिर से नीचे आ गया, मर भी गया था। यार मजा आ गया, मैं तो यहाँ से बाहर निकल रही हूँ भाई। ओए भाई ये दीदी नीचे गई, बहुत बढ़िया। अभी तो मैं भाई जाएगा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस। यस निकल गया मैं। दीदी आजा आजा आजा, फाइनली लेट्स गो। दीदी निकल लो यहाँ से गाइस, ये सुनामी में हमारा पूरा घर बर्बाद हो चुका है और तुम लोग को लास्ट वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है, नूब प्रो की पूरी सीरीज जाके देखो। तो चलो हम लोग मिलते हैं उन वीडियोस में, हम लोग तो सुनामी एस्केप कर गए, हमारा हाउस बहुत बेस्ट था। टिल देन बाय बाय। दीदी तू कहाँ रह गई? अरे मैं तो बच के भाग रही हूँ भाई। ओ भाई मैं भी निकल रहा हूँ।